गुरु नानक साहब तो गुरु अंगद देव जी ने सेवा करके दात प्राप्त की थी। गुरु अमरदास जी ने सेवा करके, गुरु रामदास जी ने सेवा करके, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आज्ञा का पालन करके, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज वड्डे अवतारी पुरख प्रगट होए। गुरु नानक साहब जी ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी, ये तीन गुरु अवतार जेड़े शुरू तो ही आए, इन्होंने बचपन तो ही कौतक कीती है, बचपन तो ही सारिया कला वरताइया ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपने पोतरे गुरु हर राय साहब से कृपा की। गुरु हर राय साहब जी ने अपने छोटे बच्चे गुरु हरकृष्ण साहब से कृपा की, जेडे वे राम राय से उन्होंने शक्तियां दतियां, वो संभाल ना सके, फिर उन्होंने छोटे बच्चे ते आपदे ते कृपा करती। पांच साल ते सारी मेहर बख्शिश करके गुरगद्दी दित्ती। गुरु हरकृष्ण महाराज अपनियां बख्शिशां दातां कृपा कर रहे ने, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की सेवा की सी, उन्होंने गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन भी नहीं किए, तो गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने दिल्ली विच बैठे ने, उन्होंने भोरे विच बैठे बख्शिश कर गए, आखो सी बंदगी विच बैठे गुरु तेग बहादुर साहब जी बाबे बकाले बंदगी विच बैठे जुड़े हुए ने, ध्यान विच जुड़े हुए ने, आराधना कर रहे ने, कई सालों तो बैठे हुए हैं, ते गुरु हरकृष्ण जी महाराज दिल्ली विच बैठे भोरे विच बैठे हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं आके गुरगद्दी की बख्शिश करके जी आप भाणा वरता के दरगाह नूं चले गए। संगतां नूं दस गए कि असी आपदे दादे नूं गुरु बाबा बकाले, असी अपने दादे ते कृपा कर आए हैं, बाबे ते गुरु जड़ा है वह बकाले दे विच है। इस बचन नूं लैके कई गुरु बन के बैठ गए, असली गुरु भोरे विच वड़े होए सी, वह फिर शक्तियां जो वरतियां सिखां ते, पर नकली गुरु ना कोई ठहरिया, सच्चे गुरु प्रगट होए संसार विच। ये साढ़े दस गुरु साहिबान ने जिन्हां नूं असी उन्हां दी ओट लैंदे आ, उन्हां दा आसरा लैके आपदी भगती, आपदी सेवा, आपदी हर कार्ज, आपदा नितनेम, कोई भी काम आरंभना है तो पहलो गुरु साहिब की ओट लैनी, निरंकार की, अकाल पुरख की, फिर परमेश्वर की शक्ति की, फिर दसा गुरु साहिबाना की, सारिया की ओट लैके फिर असी अपना नितनेम आरंभते हैं, नितनेम का भोग पाने, हर कार्ज करने उन्हां दी ओट नाल, सेवा करने गुरु साहब की, दिन चढ़े उन्हां दी ओट लैने, रात नूं दिन समाप्ति ते कीर्तन सोला करके उस उन्हां दी ओट लैने, शामा सूरज छिपन दे नाल संध्या का कीर्तन करके ओट लैने, दिन चढ़
चढ़ाने उन्हां दे नाम नाल दिन खत्म करदे उन्हां दे नाम नाल ते दिने सारा दिन थोड़ा बहुता नाम जपी जाना भगती करी जानी आपदे कारज दे विच परपकार करी जाने ऐसा जीवन सानू साडे गुरुआं ने ये सुचा जीवन बख्शिया है साफ सुथरा बड़े तगड़े दिल नाल भगती करिया करो डावा डोल दिल दे नाल नहीं जे रहन सवाई करनी है ते तगड़े हो गए जेड़े आदमी काम करदे आ दफ्तर विच बैठ के तगड़े हो के बैठते कोई नींदर आवे कोई सुस्ती पे चाजू विचो पी लेंदे पर अपना दफ्तर का पूरा काम करदे आ 7-8 घंटे ला के बीबियां अपना घर का सारा काम 10-12 घंटे करके सारा घर का काम कर दिया आदमी अपने दफ्तर दे 5-7-10-12 घंटे एडवांस भी टाइम ला लेंदे आ सारा दफ्तर का काम नबेड़ते इस तरह गुरु की भगती जे करनी है पूरा नबेड़ना उस काम पता नहीं गुरु ने किन्ने कु साडे जिहड़े इस दरगाही दफ्तर के काम जिहड़े पए हुए ने करन वाले वह गुरसाहब कोल बैठिया होने संगत विच बैठिया होने और संगत विच आण के बैठ जाना है संगत च आण के रल जाना है जे रहन सबाई रखनी है तो पूरी संगत च रल जाना है जे लंगर वरताउण की ड्यूटी है जल पानी छकाउण की ओ नभाउणी है कीर्तन की सुनन की करन की सारी भगती माया दे लोभ लालच नहीं रखने माण वड्याई दे नहीं रखने के मैं अग्गे होवां मैं चौधरी बना पिछे रहना ही वड्डी भगती बड़े जगराते करते ने लोग हर धर्मां दे लोग आपो अपने ढंग नाल करते हैं पर अपना सिख धर्म की रहन सबाई है गुरु का कीर्तन करना सारिया ने रल मिल के गुण गाने गुरु दे शब्द गाने धारना लाउनिया गुरु दियां गल्लां सुनाउनिया फिर साडी ये सारी रहन सफली होएगी ये साडी भगती हो जाएगी रात दी तपस्या हो जाएगी गुरु साहब दियां मेरा कृपा हो जाणगियां सारे रस्ते साफ हो जांदे आ गुरु चरणा विच बैठण दे नाल